हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग शर्मा एंड कौशिक्स ब्लॉग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और आप अभी बजे हैं 9:45 हो रहे हैं। मैं लगी हुई हूँ किचन में, बच्चे स्कूल गए और मैं आज बना रही हूँ मेथी की भुजिया बनाऊंगी मैं। और आज मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ आंवले का अचार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी डाल देती हैं, जो मेरी सासू माँ हैं वो डाल कर देती हैं, लेकिन अभी क्या है ना, वहाँ पे आंवले नहीं मिल रहे हैं उन्हें, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो बस मैंने आंवले अभी बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। ये देखो, मैंने आंवले ना पहले धो लिए हैं, धोने के बाद ये बॉयल होने रखे हैं और इनको हो गए 15 मिनट। थोड़ी सी हल्दी डाली थी इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट, और अभी ना ये फटने लगेंगे अपने आप से, थोड़े थोड़े फटने लगेंगे, तभी समझ जाना चाहिए कि हाँ ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। ये देखो कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है हल्दी से ना। तो बस मैं अभी गैस बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है ना कि हो चुके हैं। ये देखो ऊपर ना इनकी परत जैसी आ रही है ना, तो ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, इनको ये वाली छलनी में इनका पानी निकाल दूंगी, ठीक है। ये देखो ये ना फटने लग जाते हैं, इस तरह से पता चलता है कि बॉयल हो गए अच्छे से ना। ये देखो ये ना बीच में से, जैसे इनमें ना ये निशान बने होते हैं पार्ट करने के, ये फट जाते हैं। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, मैं तब तक अपना मसाला पीस रही हूँ। मसाला हमारा ये रहा, क्योंकि मैं बहुत ये लाई थी, एक पाव के डाल रही हूँ मैं। तो मैंने इसमें डाला है ये धनिया है, और धनिया, सौंफ और राई और जीरा, ये सारा मैंने डाला है, लगभग आधा आधा चम्मच। अभी मैं इसको पीसूंगी, अब पीसूंगी मैं इसको सिल बटने पे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा है, तो मिक्सी में क्या पीसूं यार। और ये थोड़ा सा मोटा भी पीसना है ना, तो मिक्सी में एक बार में बहुत बारीक हो जाता है, तो मैं सिल बटने का यूज़ कर रही हूँ। सिल बटने को पोंछते हैं अच्छे से, वाइट कर लें इसको। अरे यार टिश्यू से वाइप किया है मैंने, वो पूरा टिश्यू चिपक गया इसके ऊपर। कपड़े से वाइप करना है, किचन चावल से वाइप करते हैं इसको। यस, अभी हम इसको पीसते हैं मसाले को। हाँ, इसमें वो भी है, मेथी, मेथी भी डाली है मैंने। बहुत टाइम बाद निकालती हूँ मैं ये, एक बार चटनी और पीसी थी। ये हमारा मसाला पिस गया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसी वजह से तो मैंने सिलबटने पे पीसा है, ये थोड़ा मोटा मोटा ना। अब ये हमने ना एक कढ़ाई में लगभग एक बड़ा चमचा ऑयल गर्म होने रखा है, ये थोड़ा सा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस बंद कर देनी है हमें, जब तक हम ये अपने आंवलों को पीसेस कर लेते हैं। ये अपने आप से ही हैंड से हो जाएंगे, नाइफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ऑयल में से धुआं निकलने लगा है, गैस को कर देते हैं बंद। ऑयल हो गया है ये देखो, थोड़ा सा ठंडा ना। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और हींग, आप मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं तो अपने लिए बना रही हूँ, मैं मिर्च नहीं खाती तो मैं मिर्च नहीं डालूंगी। तो देखो ये ना हल्दी, थोड़ी सी ये हींग, अभी ऑयल थोड़ा सा गर्म है ना तो आ रहे हैं बबल्स। और मसाले में हमने ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, मसाले हमारे सारे पास, हमने पीस सारे ये रख लिए हैं पीस के, तो ये वाले मसाले भी डाल देंगे।
मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं है, ठंडा है ऑयल, इन्हें थोड़ा अब नॉर्मल होने दो, तब फिर हम आंवले डाल देंगे और नमक। बस अब आंवला डाल के इसको मिक्स करके रख देते हैं। मैंने अपने हिसाब से अचार बनाया है, ऑयल भी कम डाला है, वरना ऑयल भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ना। मसाले मिला के ना मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था अचार। ये देखो इस तरह से बनाया, पता नहीं कैसा बना है यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं डिब्बे में भर कर रख दे रही हूँ इसको, सूखा डिब्बा एकदम। अब ये तो खाने के बाद पता चलेगा, दो चार दिन बाद, क्योंकि अभी मसाले थोड़े खड़े हैं ना, वो गलने में टाइम लेंगे, चलता है या नहीं चलता। आंवले का अचार तो पड़ गया, लेकिन आज हम हो गए ब्रेकफास्ट के लिए लेट, 10:30 बज गए, वरना मैं ब्रेकफास्ट 9:30 तक कर लेती हूँ, मैं भी अभिषेक भी। ब्रेकफास्ट में हमने बनाए आज क्या बनाए, मेथी के पराठे और चाय, जल्दबाजी में यही हो पाया। बस हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद भाई शॉर्ट्स बनाने का भी टाइम हो रहा है मेरा, नहा धो के शॉर्ट्स बनाऊंगी, ये जाएंगे वरुण को लेने, हैं ना, 2 घंटे पहले लेने पहुंच जाते हैं ये। फ्रेंड्स बच्चे आ गए स्कूल से और आके सो गए, ये दोनों सोए पड़े हैं। मुन्नु को तो लग रहा ठंड लग रही है, ब्लैंकेट ओढ़ के सोई है। मैं तो मम्मी की तरफ चली गई थी, अभी आई हूँ वहाँ से, तो दोनों सोए मिले हैं। शाम को जाना है हमें शादी में, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। 4:30 बज गए, अभी चाय वाय बनाए, उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना खाना। खाना या तो मैं खा के जाऊँगी या फिर लेके जाऊँगी, रास्ते में खाऊँगी, वहाँ पे तो कुछ खाना है नहीं, तो बस चाय बनाने जा रही हूँ। गीता अभी सफाई करके गई है बर्तन धुल के। फ्रेंड्स 5:30 बज गए हैं और शादी में जाना है तो रेडी होना है यार। 1 घंटा चाहिए मेरे को पूरा। ये वाली ड्रेस पहनूंगी मैं और मुन्नू को निकाली है ये वाली, दिवाली पे पहनी थी उसने, तो बस थोड़ी देर में क्या, वही 7 बजे के आसपास निकलेंगे हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 20 किलोमीटर है, तो वही हो सकता है ट्रैफिक मिल जाए तो टाइम लग जाए। बस थोड़ी देर में रेडी होते हैं, पहले बच्चों को जगाऊं, बहुत देर से सोए हुए हैं वो लोग, 5:30 हो गए। मुन्नू वरु उठ जाओ बेटा, सोने दूं वरना थोड़ी देर और है ना, ठीक है तो सोने देते हैं। तो बस आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, बाय बाय।